सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। राम राम, जय हिंद, जय गो माता। भाइयों, मैं आपका भाई राकेश गुजर, श्री गणेश घी डेयरी फार्म से आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज ही अपने 25 जनवरी 2024 का एक फर्स्ट लैक्टिशन दो दांत अदंत प्योर गिर क्रॉस गो माता, जो राजस्थान की अजमेर जिले की जो पहचान है, जो शान है, वो गोवंश आप सभी भाइयों के लिए लाइव मिल्किंग का वीडियो उस गोवंश का लेकर आया हूँ। पहले ब्यात की गौ माता है, नीचे मेल काफ है, बछड़ा, और बहुत शानदार फर्स्ट लैक्टेशन, बहुत बॉडी पॉलिश, बहुत सुंदर थनों में, बहुत ही प्यारा गैप। और अभी सिर्फ और सिर्फ दो दांत है, 24 महीने इस गौ माता की एज है, 24 महीने, मात्र 24 महीने भाइयों। नीचे मेल काफ है गौ माता के, और फर्स्ट लैक्टेशन है, दो दांत है। और मिल्किंग का वीडियो आप सभी भाइयों को दिखा रहा हूँ मैं, और वीडियो पे जो फर्स्ट टाइम है, निवेदन है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को अंत तक वॉच करें। जो कोई भाई लेने का इच्छुक हो, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। ये एक ऐसी गोवंश है जो एक सफल डेयरी फार्म बनाती है, जो डेयरी फार्म, जो दूध का व्यवसाय करना चाहते हैं, उस हर किसान पशुपालक के लिए उत्तम नस्ल का चयन करने वाली जो ब्रीड है, जिसमें सबसे उत्तम जिसे कहा गया ब्रीड। ये देखो खाली बाल्टी भाइयों, और मिल्किंग स्टार्ट होती है गौ माता की। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ मिल्किंग, बहुत ही शानदार गौ माता। फर्स्ट लैक्टेशन, स्वभाव आप गौ माता का देखिए, सीधी शांत स्वभाव की गौ माता है। कोई मानना, झिझकना, कोई पैर उठाना, किसी भी प्रकार से गोवंश में कोई भी कमी नहीं है। और वो आपको जो धार है, उस धार का वॉइस भी आ रहा होगा वीडियो के माध्यम से, कि धार वगैरह कैसी है इस गौ माता की। फर्स्ट लैक्टेशन है भाइयों, दो दांत है, ओनली फॉर टू टीथ। और अभी प्रेजेंट में गौ माता के 14 से 15 लीटर मिल्क रेडी है। पहले ब्यात की बच्चिया है, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे समय भरेगा वैसे दूध और बनाएगी, पर अभी जो आज के समय का जो एग्जैक्ट दूध है वो 14-15 लीटर रेडी है, मेल काफ है। 8 से 10 दिन इस गौ माता को डिलीवर दिए हुए हो चुके हैं, और स्वभाव में बहुत शांत, प्योर 100% क्वालिटी की गोवंश, प्योर क्वालिटी की, 100% शुद्ध जिसे अपन कहते हैं, एक ओरिजिनल ब्रीड की गौ माता। पहले ब्यात की, नीचे शानदार मेल काफ, वापिस गिर नस्ल का, और डिलीवरी दिए हुए गौ माता को 8 से 10 दिन हो गए हैं, दो दांत है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और पूरा वीडियो अंत तक देखें, जिससे इस गौ माता के बारे में आपको हर प्रकार की जानकारी मिल सके। ये ऐसा गोवंश है जो एक सफल डेयरी फार्म बनाता है, और इस गौ माता में मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं आता है, क्योंकि ये एक देसी ब्रीड से क्रॉस करने के बाद में बनी हुई गौ माता है। जैसे कि गिर नस्ल की गाय होती है, अजमेर की, जो राजस्थान की, गुजरात की फेमस गिर गाय है, उस गोवंश से गौ माता बनी है, और शानदार क्वालिटी की है। क्वालिटी वाइज में कोई कॉम्प्रोम नहीं है, और पहले ब्यात में है, और अच्छी मिल्क लाइन वाली गौ माता है। तो वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, और भाई पूरा वीडियो तो अंत तक जरूर देखे, आग्रह करता हूँ। पहले ब्यात का गोवंश, शानदार क्वालिटी का, मुखिया थन, थनों में बहुत प्यारा कैप, और बहुत ही प्यारी गौ माता है। एवरेज मीडियम हाइट की, एक नॉर्मल पशुपालक, कोई भी किसान व्यक्ति अच्छे से सेवा कर सके, उस प्रकार की गौ माता है। सिर पे सफेद तिलक, बहुत ही शानदार प्योरिटी के अंदर पहले प्यात का गोवंश आप सभी भाइयों के लिए श्री गणेश गिडे फार्म सेल के लिए अवेलेबल करवा रहा है। मिल्किंग पूरा इसलिए दिखा रहा हूँ कि भाइयों की आपके किसी भाई को मन में शंका हो कि भैया इस गौ माता के दूध है या नहीं है, तो उस प्रकार से आपको ये पूरा मिल्किंग वीडियो दिखाया जा रहा है। इसमें शंका किसी प्रकार के मन में नहीं रहनी चाहिए। पैर पहले ब्यात में इतना सीधापन बहुत ही कम गोवंश में आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही कम। बच्चा के लिए दूध छोड़ दीजिए, बढ़िया है ना दी, बच्चे के लिए भी दूध छोड़ दिया जाएगा अच्छे से। ऐसा नहीं कि भैया बच्चा कोई भूखा रहेगा, ये ताजा बच्चा है, तो ताजा बच्चे को हमारे को भी पता है। कई भाई कमेंट करते हैं, भैया बच्चे को दूध नहीं पिलाते हो, सारा दूध निकाल लिया आपने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, दूध बच्चे के लिए छोड़ा जाएगा। और
आपको वीडियो के माध्यम से पूरा दिखेगा, धार वगैरह आपको दिख रही होगी, स्वभाव आपको गौ माता का दिखेगा, बहुत ही सरल स्वभाव की गौ माता, बहुत ही शांत स्वभाव की। पहले व्याहत में इतना सीधापन बहुत ही कम आपको कोई किसी गोवंश में देखने को मिलेगा, और आराम से रस्सी लगा के आराम से दूध निकालो। दूध निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई झिझकना नहीं, कोई कूदना लात चलाना ऐसा कुछ भी कोई भी इशू नहीं इस गौ माता में। तो आप इसको माइनस पॉइंट किसी भी एंगल से नहीं दे सकते हैं भाइयों, माइनस पॉइंट वाली गौ माता है ही नहीं। और जो भी दूध होगा अभी आपको सामने दिखाया जाएगा, 14-15 लीटर दूध भाइयों दोनों समय का रेडी है। कोई भी भाई लेने का इच्छुक होता हो तो मेरे फार्म पर आकर रुककर दो समय आराम से मिल्किंग कर सकता है, और रुकने की व्यवस्था भाइयों अपने पास अवेलेबल है। आप बिना हिचकिचाहट के बिना झंझट के आप आकर मेरे फार्म पर रुके चेक करके दो समय तसल्ली करके फिर आप गोवंश परचेस कर सकते हैं। मेरा एड्रेस है राजस्थान राज्य जिला अजमेर विलेज माकड़वाली, जो कि अजमेर से 8 किलोमीटर दूर पुष्कर बाईपास ऑन रोड अपना भाइयों डेयरी फार्म है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और जो कोई भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे आग्रह करता हूँ कि चैनल की सदस्यता बनाए, और आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो उसके लिए आप बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूले, जिससे कि हर न्यू वीडियो आपको समय से पहले मिले। क्योंकि कई भाई कहते हैं भैया ये वीडियो 2 दिन बाद आया, 2 दिन पहले आपने अपलोड किया और आज मेरे को नोटिफिकेशन मिला है, तो भैया वो मेरी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। क्योंकि आप चैनल को बेल आइकन बटन प्रेस नहीं करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है। तो भैया ऐसा आप विशेषकर ध्यान रखें, आपको ऐसी समस्या का वापस फेस करना ना पड़े। क्वालिटी देखिए, गिर की तरह बिल्कुल घुमावदार कान, अच्छी शानदार क्वालिटी की घुमाता है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ईथन में छोड़ दे अरी, ए ओए ईथन में छोड़ दे बिल्कुल। ये देखो बच्चे के लिए छोड़ दिया, और बड़े स्टैंड बड़े रख दे, बस बड़े अटे 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 बस अटे रख दे। हाँ ठीक है, बच्चा छोड़, ये लीटर लगाकर आपको दिखा देता हूं। एक आपको अनुमान हो जाएगा कि भैया इतना दूध गोवंश का तैयार है। ये देखो खाली बाल्टी भैया, ये जो दूध अभी का हुआ है प्रेजेंट का, दो, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 में थोड़ा सा कम है। और आपको बच्चे को दूध पिलाकर भी आपके सामने दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई वो बच्चों के लिए दूध नहीं छोड़ा गया है, हष्ट-पुष्ट बच्चा है। देखिए वीडियो पे बने रहे, वीडियो से जुड़े रहे, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। जो कोई भाई लेने का अच्छा हो स्क्रीन शॉट इस गोमाता का मुझे भेज देना, मैं आपको इसकी रेट वगैरह मैंशन कर दूंगा। 8 से 9 दिन नात इस गोमाता को डिलीवर दिए हो चुके हैं। ये देखिए भाई बच्चे का नीचे से भी तो नाला भी नहीं कर टूटा, तो ताज़ा बच्चा है बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं कि भैया 15-20 दिन का बच्चा है। ठंड का मौसम है इसलिए थोड़ी सी कपकपाहट शरीर में आपको दिख रही होगी, बाकी कोई भी प्रकार का माइनस पॉइंट इस गोवंश में नहीं है। तो भाई वो वीडियो को अंत करते हैं, जय हिंद, जय गौ माता, जय श्री राम।